इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ किरण और मेरे चैनल इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ मेरा जून मंथ का ब्लिंक बैग। और कुछ महीनों से आपने देखा मैंने ब्लिंक बैग नहीं अनबॉक्स किया था, क्योंकि वो मुझे रिसीव ही नहीं हो पा रहा था। बट अभी वो नाइसली मुझे रिसीव हो रहा है और ये देखिए इस तरह से नाइसली आता है आपके पास ये ब्लिंक बैग। ब्लिंक बैग आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये मंथली सब्सक्रिप्शन बैग है ज्वेलरी के लिए। जी हाँ, अगर आप ज्वेलरी पसंद करते हैं तो आपको इस बैग को पक्का चेक करना चाहिए। और मैं आपको बोल सकती हूँ कि मेरे पास जितनी भी ज्वेलरीज है 80% ज्वेलरी मेरी ब्लिंक बैग की तरफ से ही है। तो ये देखिए इस तरह से एक बैग में मेरी जो सारी ज्वेलरी है वो आई है। और ये एक स्लिंग बैग है और ये आप देख सकते हैं, यस, आजकल सीक्वेंस चेंजिंग वाली ये वाली जो बैग्स है बहुत ज़्यादा फेमस है और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर अनिता को मेरे से ज़्यादा पसंद आएगा और आई एम श्योर वही इसे यूज़ करेगी। तो चलिए मैं इसे आपको खोल कर दिखाती हूँ कि मुझे इसके अंदर क्या क्या मिला है। और हर मंथ आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बैग मिलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसकी बाकी की जो भी डिटेल्स है या आप इसे कहाँ से ख़रीद सकते हैं उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। अब आप इसके अंदर इस तरह से देख सकते हैं, जहाँ पर हमें एक मिलता है कार्ड जहाँ पर मेंशन होता है थीम ऑफ द मंथ। और इस मंथ का जो थीम है वो है जियोमेट्रिक गेम। और ये देखिए कार्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, प्लस यहाँ पर एक कोड दिया गया है जिसे अगर आप यूज़ करेंगे आपके जुलाई मंथ के बैग को ऑर्डर करने के लिए तो आपको कुछ सिलेक्टेड पीस मिल सकते हैं आपके जुलाई बैग में। तो मैं ये जो कोड है ना यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। तो चलिए एक एक करके सारी ज्वेलरीज जो है आपको दिखाती हूँ। और देखिए इस तरह से नाइसली पैक भी होकर आती है ज्वेलरी। तो ये पर्ल और गोल्ड फिनिश के फिनिशिंग वाले जो ईयरिंग्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ये आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए और अगर आप कहीं नाइट आउट वगैरह पार्टी के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आपने एक बहुत ही अच्छी सी हेवी सी ड्रेस पहनी हो उस पर सिर्फ और सिर्फ ये ईयरिंग्स पहन लीजिए और थोड़ा सा बोल्ड सा मेकअप टैच सेट और आपको कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही प्यारे से लाइट वेटेड है और दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे फेस पर तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अभी आप ही बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। सो यहाँ पर आप मेरे नेक्स्ट ईयरिंग देख सकते हैं और मुझे इसका ये जो लुक है बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बो बनाया गया है, राइट, और उसी के नीचे एक ग्रे कलर का स्टोन लगाया गया जो कि बहुत बड़ा सा है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये ईयरिंग है। और कुछ यूनिक सी डिज़ाइन है और अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप इसे स्टेटमेंट ईयरिंग भी बोल सकते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पहना, कोई गले में कुछ नहीं पहना, कुछ नहीं, और सिर्फ सिर्फ ईयरिंग्स भी पहन लिए काफ़ी है, क्योंकि ये एक आपको स्टेटमेंट लुक भी दे रहा है। सो ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अब यहाँ पर आप एक नेकलेस देख पाएंगे, इस नेकलेस की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट तो मुझे ये चीज़ लगी। और आप इस नेकलेस को अच्छे से देख सकते हैं, इसमें ब्लू कलर के स्टोन हैं, येलो कलर के हैं, ग्रे कलर के हैं, तो जितने भी कलर कॉम्बिनेशन के स्टोन इस नेकलेस में यूज़ किए गए हैं हर एक स्टोन सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। चाहे इंडियन ड्रेस हो या वेस्टर्न ड्रेस हो, दोनों पर भी ये आप नेकलेस आराम से पहन सकते हो और सच्ची में मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। ये एक तरह का स्टेटमेंट नेकलेस है और जैसे कि इस मंथ की थीम है वैसे ही ये नेकलेस है अलग अलग शेप्स के साथ। तो हमने देख लिए दो ईयरिंग्स और एक नेकलेस। अब नेक्स्ट पीस मेरे पास जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत छोटा सा है, क्यूट सा है और बहुत ब्यूटीफुल है। और ये देखिए आप देख सकते हैं ब्रेसलेट जिसमें ये बड़ा सा ग्रीनिश कलर का स्टोन लगा है और उसके साइड में आप देख सकते हैं ब्लू कलर के भी स्टोन लगे हुए हैं। और इस तरह से कुछ मतलब छोटू सा क्यूट सा मेरे पास एक्चुअली नहीं था। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको पहन कर दिखाना चाहूँगी और ये हाथों पर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है आप तो देख ही पा रहे हो। सो मुझे जस्ट सेकंड दीजिए, मैं इसे पहन लेती हूँ।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे पहन लिया है। ये थोड़ा सा साइज़ में मेरे लिए बड़ा है, मेरे साथ ऐसे ही होता है हमेशा क्योंकि मेरे जो रिस्ट है वो बहुत छोटे हैं तो मेरे साथ ये अक्सर होता है। पर सच्ची में ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आप इस तरह से इसे पहन लेते हैं और किसी फॉर्मल से ड्रेस पर इसे पहनते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल और लग सकता है। तो फॉर्मल ड्रेस के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो ये था मेरा ब्लिंग बैग जून मंथ का। आई रियली होप कि आपको भी मेरी तरह पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। कौन सा पीस आपको सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। और सारी ऑफर्स और सारी लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल आपको मिल जाएंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।